शबे जुमा थी, रात अलम पे गया तो अलम से एक सदा आ रही थी जिसको मैं पेश कर रहा हूँ। एक सवाल है, बड़ी जॉब भी मिल जाती है, बड़ा घर भी मिल जाता है, एसी कमरे भी मिल जाते हैं, बड़ी गाड़ियां भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, फिर बिस्तर पे करवटें क्यों बदलते हो? फिर क्या ऐसी प्यास है जिसको दूर करना चाहते हो? अगर इस प्यास को दूर करना चाहते हो तो मैं वजीफा बता रहा हूँ कि सब कुछ मिलने के बाद भी किसी बड़े आदमी से पूछा, तेरे पास सुकून क्यों नहीं है? कहता समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। एक बहुत बड़ा कॉमेडियन नदीम सरवर को कहीं पे मिल गया, बहुत बड़ा नाम है क़िबला, कहने लगा ये इम्तिहान वो इम्तिहान। मैंने कहा सुन, इम्तिहान वलियों के होते हैं, तेरे नहीं। तेरी और हमारी तो आजमाइशें होती हैं, हमारी तुम्हारी तो आजमाइशें होती हैं। गाड़ी खराब हो गई, हमारे पास मोबाइल फोन है, किसी भी दोस्त को बुला लिया, ये आजमाइशें। और मैंने कहा याद रखना मेरी बात, जब तेरी आजमाइश हो और तेरे करीब कोई हो तो नदीम सरवर जाकिर को याद रखना। उस कॉमेडियन को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उसकी जौजा ने बताया, जिस वक्त इसको हॉस्पिटल के कमरे की तरफ लेके जा रहे थे, इसके मुंह पर सिर्फ था या हुसैन या अब्बास। और उस कॉमेडियन का नाम है उमर शरीफ, जिसका नाम आप जानते हैं क्या। अब उसने अपने घर में आज़ाखाना भी क़िबला बनाया है, सब कुछ बनाया है, अलम भी लगाया है क़िबला। वाह वाह, अली मौला। तो ये जो ये बाबुल हवाइज का दर है ना बेटा, जिसकी जो हाजत हो, जिस अलम के साए में आते हो ना, एक दफा गाजी से कहा करो कि गाजी अबुल फजल अब्बास, तेरी मादर गिरामी कि जिस वक्त वाकई करबला गुजर गया ना, तो शहजादी उम्मुल बनीन के चार बेटे थे जिनमें एक अब्बास था, तो सबसे कहती थी मेरे सारे बेटे सितारे हैं, मेरा अब्बास कमर है। लेकिन जब अब्बास चला गया दुनिया से, तो महल्ले में सबसे कहती थी कि सुनो, अब कोई मुझे बेटों की मां ना कहे, अब कोई मुझे बेटों की मां ना कहे। आज जिसका दिन है ना क़िबला, किसी ने मुझसे कहा शहजादे अली अकबर पे कसीदा पढ़ दो। क़िबला मेरा एक सवाल है, जितने दिल वाले यहाँ पर बैठे हो, एक सवाल है, कोई अली अकबर की विलादत के दिन उसकी माँ से कहे मुबारक हो आज अली अकबर पैदा हुआ था, तो क्या सीने पे हाथ मार के रोएगी कि नहीं रोएगी? कि जिसका बेटा इस तरीके से गया हो तो सालगिरह वाले दिन क्या वो खुश होती है? तो वो इमाम जो 40 बरस मौत के अरमान में रोया, कभी बाजार और दरबार में रोया, आज तेरी विलादत का दिन है इमाम, हम तेरी खुशी में शामिल है, मगर तुमने तो खुशी देखी ही नहीं। अशाम इतना सादात ने खुशियां बहुत कब देखी दुनिया में। तो जिस वक्त रात को मैं गाजी के लम्पे गया, मैंने एक सदा सुनी। अब मैं देखता हूँ अपने